भारत के ट्रेलर में तब्बू के कैरेक्टर को रिवील क्यों नहीं किया गया? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म भारत, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है और ट्रेलर रिलीज होने के बाद तो फैंस की एक्साइटमेंट काफी हद तक बढ़ चुकी है। ट्रेलर में हर किसी के कैरेक्टर को बखूबी तरीके से पेश किया गया है, वो भी डायलॉग्स के साथ। सलमान खान, कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, नोरा फतेही, सुनील ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, हर कोई दमदार लग रहा है फिल्म के ट्रेलर में। लेकिन जो इस फिल्म का अहम हिस्सा है, जो काफ़ी समय से फिल्म को लेकर चर्चा में है, यानी कि एक्ट्रेस तब्बू, उनको फिल्म के ट्रेलर में रिवील क्यों नहीं किया गया, ये काफी बड़ा सवाल बन चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि तब्बू का किरदार इस फिल्म में अहम होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ उनकी एंट्री से फिल्म की कायापलट होने वाली है। और सिर्फ फिल्म ही नहीं, सलमान खान यानी कि भारत की जिंदगी में भी काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिससे फिल्म की कहानी में क्लाइमैक्स आएगा। जी हाँ, और इस क्लाइमैक्स की वजह से ही उनके कैरेक्टर को छुपा कर रखा गया है। साथ ही साथ सिर्फ तब्बू ही नहीं, टीवी के जाने माने एक्टर आशिफ शेख के किरदार को भी ट्रेलर से रिवील नहीं किया गया है। जी हाँ, यानी कि फिल्म का जो टर्निंग पॉइंट है वो काफ़ी दमदार है, जो फिल्म का क्लाइमैक्स होगा, जिसकी वजह से फिल्म के ट्रेलर में इन दोनों के कैरेक्टर को रिवील नहीं किया गया है। ट्रेलर को देखकर हर किसी को लग रहा था कि साफ सीधी सी कहानी होने वाली है फिल्म की, क्योंकि ट्रेलर में हर किसी चीज़ को पेश कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि चीज़ें जितना क्लियर कट लगती हैं उतना कभी होती नहीं, तो ज़रा सोच समझकर फैसला लीजिए। वैसे आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, वो भी ट्रेलर देखने के बाद, और ट्रेलर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।